अब सेलुलर रेस्पिरेशन में सिंपली क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी, एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज है वो ब्रेक करेगा, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन की और भी काफी स्टेप जो प्रोसेस है जिसमें जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी है, ब्रीदिंग या वेंटिलेशन कहते हैं, जिसमें सिंपली गैसेस एक्सचेंज होते हैं बिटवीन एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। अब स्पेसिफिकली सेलुलर रेस्पिरेशन असेंशियली एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, आगे चलकर हमने इस पर डिटेल में बात करनी। बहरहाल इसकी टाइप्स जो है वो दो तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, एक को हम कहते हैं एरोबिक, एरोबिक जो होती है दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और मेनली अगर हम एरोबिक को देखेंगे तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, यहीं पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं थोड़ा सा। और जो एनएरोबिक होता है, एनएरोबिक ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं और ये मेनली एक रिडक्शन प्रोसेस होता है। और अगर हम एटीपी की बात करें तो इसमें एटीपी बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, एटीपी की प्रोडक्शन ज्यादा होती है मैक्सिमम, लेकिन यहां पर सिर्फ थोड़े से एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, होते हैं ये नहीं कि नहीं होते, दोनों में होते हैं, लेकिन ज्यादा एरोबिक में प्रोड्यूस होते हैं। इस पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। एनएरोबिक के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं फर्मेंटेशन, इसकी हम कुछ टाइप्स भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ एक पूरा एंड पे कैलकुलेशन करेंगे कि इसमें कितने एटीपी बन रहे हैं, प्रोसेस जो है कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले मैं एक स्केच बना रहा हूँ और उसमें आपने देखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो किस तरह से होती है। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो तो ग्लूकोज ने ही ब्रेक करना है, और ग्लूकोज जो सबसे पहले ब्रेक करेगा वो दो मॉलिक्यूल पाइरूवेट के बनाएगा, ये पहला स्टेप होगा, और इस स्टेप को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, सिंपली द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इंटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट। दिस स्टेप इज कॉमन इन एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों के अंदर ये कॉमन है, चाहे एरोबिक होगी एनएरोबिक होगी, ग्लूकोज ने पाइरूवेट में पहले कन्वर्ट होना ही होना है, याद रखना है। दैट अकर्स इन साइटोसोल, ये साइटोसोल के अंदर होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म का जो कंपोनेंट है उसके अंदर होगा, और इसके अलावा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट डज नॉट मैटर, ऑक्सीजन है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, ये स्टेप होना ही होना है। तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखना है, ये ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले होना है। अब यहां हम नहीं बता सकते कि ये एरोबिक है या एनएरोबिक है, क्योंकि ये तो दोनों में होगा। अब उसके बाद जब पाइरूवेट आगे जाएगा तो पाइरूवेट ने आगे जाकर तीन वेज में प्रोसेस होना। अब यहां से सवाल आ सकता, तीन वेज, वन ये वाला जो होगा जो नीचे को आ रहा है, यहां पहला ये है एरोबिक, और टू एंड थ्री ये एनएरोबिक, तो इसका मतलब पाइरूवेट भी प्रोसेस्ड इन थ्री वेज, तीन तरह से प्रोसेस्ड होगा, उसके अंदर एक एरोबिक पाथवे और आगे दो एनएरोबिक पाथवे। अब जब ग्लूकोज पाइरूवेट्स में कन्वर्ट होगा तो यहां सिंपली जो पहला स्टेप है वहां ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन में क्या होना है, टू एन ए डी जो है वो कन्वर्ट होंगे टू एन ए डी एच में, ये इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई है लेकिन एन ए डी की रिडक्शन हुई है। आप देखें एन ए डी के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ लेकिन ग्लूकोज से निकले, यहां ऑक्सीडेशन होगी। उसके बाद जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो वहां भी ऑक्सीडेशन होनी है, आगे हमने डिटेल में पढ़ना है, लेकिन जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होनी है वहां रिडक्शन होनी है पाइरूवेट की, तो याद रखना। अब मसलन दूसरे पाथवे, ये वाला दूसरा पाथवे पे आ जाते हैं, यहां रिडक्शन होगी, तो जब रिडक्शन होगी इसका मतलब है एनएडीएच जो है वो कन्वर्ट होंगे टू एनएडी में, तो जब पाइरूवेट की रिडक्शन होगी तो यहां ये बनाएगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बना लेगा। और अगर पाइरूवेट की पहले डीकार्बोक्सिलेशन हो, यहां डीकार्बोक्सिलेशन होती है, तो उसके रिजल्ट में यहां एक कंपाउंड बनता है
एसिडिटी हाई, और फिर यहाँ इसकी जब रिडक्शन होती है, अगेन यहाँ रिडक्शन होनी, तो जब रिडक्शन होनी है तो एन ए डी एच जो है वो कन्वर्ट होगा एन ए डी में, और इसके रिजल्ट में यहाँ बनेगा एथानोल या इथाइल अल्कोहल। ये तो इसका मतलब है यहां पर भी रिडक्शन हुई और यहां पर भी रिडक्शन हुई, तो ये दोनों के दोनों फर्मेंटेशन। अगर इसको हम लेते हैं, हम कहते हैं एसिडिक फर्मेंटेशन, और ये जो फर्मेंटेशन इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो इस टाइप से अब सवाल दो तीन तरह से आ सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि जो पाइवेट है, इफ पाइवेट प्रोसेस बाय ऑक्सीडेशन रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, यानी मैं ये बात पूछ रहा हूं ऑक्सीडेशन से अगर प्रोसेस हो रहा है तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है वो है एसिटाइल को एंजाइम ए, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए लाइक अगला सवाल, पाइरूवेट इज प्रोसेस्ड बाय डी कार्बोक्सीलेशन एंड रिडक्शन, तो रिजल्टेंट कंपाउंड जो होगा वो एथेनॉल। और अगर आ जाए पाइरूवेट प्रोसेस्ड बाय ओनली रिडक्शन, सिर्फ रिडक्शन से प्रोसेस होगा, तो उसको हम लैक्टिक एसिड कंपाउंड कहेंगे। तो यहां से दो तीन तरह से सवाल पेपर के अंदर जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, अब जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है ये वाली, यानी जिसको हम एसिडिक फर्मेंटेशन कहते हैं, ये कहां पर होती है, ये स्पेसिफिकली मसल सेल्स के अंदर। आपने देखा कि हमारे मसल्स के अंदर अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम बहुत ज्यादा एक्टिविटी करें, स्ट्रेनस मस्कुलर एक्टिविटी करें, तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जिससे मसल डीप भी होती है। लेकिन जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये कहाँ होती है, ये बैक्टीरिया में, ये यीस्ट के अंदर, और ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर भी होती है जिसके अंदर वो मुख्तलिफ तरह की जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वहां पर बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। तो फर्मेंटेशन जो है इसकी भी डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं, और इनमें आपने याद रखना है कि किस तरह से कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बनती है, और इवन इसके जो फॉर्मूलाज हैं आपने वो भी इसमें याद रखने हैं। आगे डिटेल में हमने कुछ तो डिस्कस कर लेने हैं, ये स्टेप्स जो है हमने एरोबिक रेस्पिरेशन को तो डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन बाकी वो आपने फॉर्मूला याद रखना। मसलन ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, तो फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, दो मॉलिक्यूल पाइरूवेट के बने हैं C3H4O3। अब हम यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन में फर्क आ गया। हाइड्रोजन में फर्क कैसे आया है, क्योंकि हाइड्रोजन निकल गए, कार्बन भी उतने ही है, ऑक्सीजन भी उतने ही है, लेकिन हाइड्रोजन ग्लूकोज में 12 है, पाइरूवेट के दो मॉलिक्यूल में 8 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है हाइड्रोजन निकल गए और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है, और ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में जो भी इंजाइम जो बहुत कॉमन होता है, जो काम करता है, उसका नाम ही डीहाइड्रोजिनेज है, क्योंकि वो हाइड्रोजन को रिमूव कराता है। अब ये दो मॉलिक्यूल जो है वो बन गए पाइरूवेट के, जो पाइरूवेट के दो मॉलिक्यूल जो है वो लैक्टिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है C3H6O3। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन फिर से पूरे हो गए, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, दिस इज द रिडक्शन, तो फॉर्मूला C3H6O3। अब एथेनॉल जो है, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला, दो मॉलिक्यूल बनेंगे C2H5OH प्लस टू मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल, तो यहाँ आपको बैलेंस्ड इक्वेशन जो है ये मिल जाएंगी, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आपने याद रखना है। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके अच्छा जी, नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन को आगे डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, उस पर चलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन पे जो हमारे स्टेप्स हैं वो चार स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। नंबर वन, पहला तो वही है जो एनएरोबिक में भी आपने पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि वो तो कॉमन है, सीक्वेंस के साथ लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट, पाइरूवेट की ऑक्सीडेशन। तीसरा जो है वो है
एब साइकल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और इसको टीसीए साइकिल भी कहते हैं। टीसीए स्टैंड्स फॉर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये भी हम देखेंगे कि वजह यही है कि पहले जो प्रोडक्ट है उसमें तीन कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे, इस वजह से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है वो कहते हैं। अब जो पहला स्टेप है उसके आपको पॉइंट में बता चुका हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस जो है ये साइटोसोल में होगा और ये एरोबिक में भी होना है और एनएरोबिक में भी होना है। प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसमें मैटर नहीं करती। इसके अंदर दो फेजेस आ जाती हैं। एक इसके अंदर पहली फेज है उसको हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं और दूसरी जो फेज है उसको ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज कहते हैं। तो दो फेजेस के अंदर जो है ये साइकिल कंप्लीट होता है। अब इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं, एक तो आपको स्टेप्स याद रखने हैं। मैं यहाँ पे क्विकली इन स्टेप्स को जो है वो देखता हूँ और हम देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो बन रही हैं और साथ साथ एंजाइम आपने याद करने हैं और साथ कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपने लर्न करनी है। देखिए सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो एक फॉस्फेट कहाँ से आता है? एक फॉस्फेट जो है वो एटीपी यहाँ प्रोवाइड करती है। एटीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है और यहाँ एक एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है इसको कहते हैं हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस जो होता है वो एटीपी फिक्स करता है, वहां से ग्लूकोज को शिफ्ट कर देता है। जी तो ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, हेक्सोकाइनेस एंजाइम जो है वो यूज हुए हैं। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमर में कन्वर्ट हुआ है, इसको फॉस्फोहेक्सोकाइनेज आइसोमरेज जो है वो कैटलाइज करेंगे। तो इससे आगे फर्दर प्रोसेस चलेगा तो फिर से एक एटीपी का मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज होगा और एटीपी बनाएगा और कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट। और यहाँ अगेन एक एटीपी का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा एक एडीपी के मॉलिक्यूल के अंदर और यहां पर एंजाइम जो यूज होगा वो है फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज। अब जो काइनेज एंजाइम यहाँ यूज होगा ना, जहां पर भी याद रखना है कि वहां किसी ना किसी तरह से फॉस्फेट इन्वॉल्व होगा, यानी फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर हो रहा होता है, उसको हम काइनेज एंजाइम जो है उसको कैटालाइज करेंगे। अब इसके बाद फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट जो है जो कि एक हेक्सोज है ये दो ट्रायोसिस में कन्वर्ट हो जाए, ये ब्रेक हो जाएगा और जो दो ट्रायोसिस बनेंगे उसमें एक है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको डीएपी या डीएचएपी कहते हैं, एक ये कंपाउंड बनेगा। और दूसरा जो है वो बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये वही जो कि आपने कैमल साइकिल की आउटपुट भी देखी है, दिस इज द G3P। अब देखें यहां जो एंजाइम यूज हुआ है 4 स्टेप के अंदर जहां इसकी ब्रेकडाउन हुई है दैट एंजाइम इज एल्डोलेज। अब ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों जो है वो दोनों आइसोमर्स हैं, तो इसका मतलब है इनकी आपस में इंटर कन्वर्जन जो है वो हो सकती है। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो आपस में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होकर 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना देंगे। क्योंकि अभी एक तो इससे बन गया, अब दूसरा किस तरह से बनेगा? ये डायहाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे और जिसके रिजल्ट में हमारे पास जो फॉस्फेट है वो 2 बन जाए, यानी कि G3P2 बन जाएंगे। अब यहां से ये कन्वर्जन होगी, अब 2 प्रोसेस जो है वो नीचे चलेंगे। थोड़ा सा हम इसको मजीद नीचे ले जाएं तो एक तो यहां से आगे फेनोमेना चलेगा, दूसरा हमने देखा कि ये कन्वर्जन जो है वो हो चुकी है और यहां से आगे 2 ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो बन चुकी है। अब हम ये देखेंगे कि आगे जो प्रोसेस होना है वो अगली फेज शुरू हो जाएगी। ये पूरे का पूरा हमने यहां पर देखा ना, पहली फेज थी, इसको हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। ये प्रिपरेटरी फेज कंप्लीट हुई, अब आगे ऑक्सीडेटिव फेज होगी। अब जो हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, अब उस ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन होनी है। अब आपने याद रखना है कि ग्लिसरल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन होनी, मैंने आपको इससे पहले बताया कैल्वन साइकिल में, तो वो ग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। अब होना क्या है आगे अगर हम चलें तो यहां एक तो ऑक्सीडेशन होनी है, ये आपने याद रखना है, और दूसरा यहां पर होना है फॉस्फो
राइलेशन यानी कि फॉस्फेट भी ऐड होंगे। कैसे? अब यहां जब ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में एनएडी जो है वो एनएडीएच में कन्वर्ट हो, यहां पर भी और यहां पर भी, क्योंकि दो कंपोनेंट है, दो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, तो ये भी एनएडी एनएडीएच में कन्वर्ट होगा। यहां पर भी फॉस्फेट ऐड होगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक यहां पर ऐड हो, तो दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुए और दो ही एनएडीएच बने हैं। तो उसके रिजल्ट में जो दो मॉलिक्यूल है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, वो आगे कन्वर्ट होंगे 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट। अब देखें जब ग्लिसरल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हुई तो वो ग्लिसरेट बन गया, क्योंकि एक फॉस्फेट और आ गया, एक पहले ही था, तो ये बन गया 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट, और यहां पर भी 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। दोनों तरफ सेम प्रोसेस अब चलेंगे, दो कंपाउंड यहां बनेंगे। अब इसके बाद अगर आगे चलें तो यहां अब एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनेगा, एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होगी, यहां पर भी एक एडीपी जो है वो एटीपी का मॉलिक्यूल बनाएगा, जिस वजह से एक फॉस्फेट यहां से निकल जाएगा। जब एक फॉस्फेट निकल जाएगा तो बाकी बच गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और यहां पर भी 3-फॉस्फोग्लिसरेट बच जाए। इसका मतलब है कि एक एटीपी यहां बन गया और एक एटीपी यहां बन गया, तो एटीपी यहां पे बन चुके हैं। अब जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट, अब साथ साथ यहां इंजाइम हम मेंशन जैसे कर रहे थे वैसे हमने यहां पर इंजाइम जो है मेंशन करने हैं। अब यहां पर ऑक्सीडेशन हुई, यहां डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा। अब डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो कौन सा यूज होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसका नाम भी ग्लिसरल्डिहाइड ही होगा। तो एंजाइम का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, तो ये एंजाइम यहां पर यूज होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन यहां पे हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो ये स्टेप हमने पढ़ा, फिर अगेन मैंने देखा कि यहाँ एटीपी जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि फॉस्फेट जो है उसका ग्रुप ऐड हो रहा है एक से दूसरे कंपाउंड में, तो इसमें एंजाइम काइनेज यूज होना है और उसका नाम होगा यहां फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है यहां पर बन जाएंगे। अब जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वहां से आगे 2-फॉस्फोग्लिसरेट आएंगे, जस्ट रीअरेंजमेंट होगी। टू फॉस्फोग्लिसरेट, टू पीजीए, और यहां जो रीअरेंजमेंट करने वाला एंजाइम उसका नाम है म्यूटेज, और फॉस्फोग्लिसरेट की क्योंकि रीअरेंजमेंट कर रहा है तो नाम के साथ फॉस्फोग्लिसरेट लगा देंगे, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, और सेम यहां पर भी ये एंजाइम यूज होना है। उसके बाद जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है इसमें डिहाइड्रेशन होना, यानी वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होना है यहां से भी और यहां से। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा फॉस्फो इनोल पाइरुवेट, और यहां पर भी बनेगा फॉस्फो इनोल पाइरुवेट, और यहां जो एंजाइम ने यूज होना है उस एंजाइम का नाम है इनोलेस, फॉस्फो इनोल पाइरुवेट बनाएगा। अब फॉस्फो इनोल पाइरुवेट जो है, फर्दर अगर हम आगे चलें तो फॉस्फो इनोल पाइरुवेट आगे बना देगा पाइरुवेट। अब देखें कि दो मॉलिक्यूल पाइरुवेट के बन चुके हैं, और यहां जो एंजाइम यूज होना है अगेन, क्योंकि यहां इस जगह पर हम देखेंगे कि फॉस्फो इनोल पाइरुवेट पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ है, तो यहां एक एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हुई है, और यहां पर भी एडीपी क्योंकि फॉस्फेट निकल गया है एटीपी में कन्वर्ट हुई है, तो एटीपी का एक मॉलिक्यूल यहां बन गया, एक मॉलिक्यूल यहां बन गया, और यहां जो एंजाइम है अगेन वो काइनेज एंजाइम यूज होगा, और काइनेज कौन सा काइनेज, पाइरुवेट काइनेज, तो यहां जो एंजाइम यूज हो रहा है मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज कॉल्ड द पाइरुवेट काइनेज। तो ये दो मॉलिक्यूल पाइरुवेट के बन गए। इस तरह से हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस है वो इसमें कंप्लीट हुई। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये वाली दूसरी जो फेज हमने यहां देखी है दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव। अब ऑक्सीडेटिव इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां देखें यहां ऑक्सीडेशन हो रही है इस स्टेप के अंदर हमने देखा है, या इसको हम पे ऑफ फेज कहते हैं। अब पे ऑफ इसलिए कहते हैं कि यहाँ एटीपी बनते हैं, यहां आप देखें एटीपी जो है वो बने, और कितने एटीपी बने, 4 एटीपी बने, और अगर हम यहां देखें प्रिपरेटरी फेज में तो यहाँ एटीपी यूज हुए हैं, तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ मैं इसका थोड़ी कैलकुलेशन कर लूँ, आगे चल के हमने ये सारे एटीपी जो है उनको जमा करना है। यहाँ जो है वो टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में कितने बनते हैं तो आपने बताना है 4 एटीपी बनते हैं टोटल।
और एटीपी यूज कितने होते हैं इसमें? हमने देखा है कि यूज जो है वो 2 ATP यूज हुए हैं प्रिपरेटरी फेज के अंदर, तो आपसे पूछा जाएगा कि नेट एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में कितने हैं, तो आपका आंसर होगा नेट एटीपी 2 है। एक तो याद रखना है, दूसरा याद रखना है कि यहां एनएडीएच प्रोडक्शन जो है वो कितनी हो रही है, तो आपने बताना कि 2 NADH बनने, क्योंकि आगे चल के हमने इन एनएडीएच को भी प्रोसेस करना है और उनको भी हमने देखना है कि किस तरह से ये फर्दर प्रोसेस्ड हो रहे हैं। सो आज के लेक्चर में आपने यहां तक पढ़ना है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सेकेंड स्टेप जो सेलुलर रेस्पिरेशन का है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट। एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के रिजल्ट में 2 पाइरुवेट्स जो है वो बने। अब उन 2 पाइरुवेट्स ने हम देखना है कि आगे कैसे प्रोसेस होना है। अब पाइरुवेट्स होते हैं, जब पाइरुवेट्स बन जाते हैं तो पाइरुवेट्स फिर एंटर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि याद रखना है कि जो फर्स्ट फिनोमिना था यानी कि ग्लाइकोलाइसिस, वो साइटोसोल में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे और फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके प्रोसेस होते हैं। अब उसके किस तरह से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूवमेंट होती है, हम ये जानते हैं कि जो पाइरुवेट्स होते हैं, पाइरुवेट्स और द चार्ज पार्टिकल्स, ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया में जब एंटर होते हैं तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एंटर होते हैं, एंटर माइटोकॉन्ड्रिया बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इन्होंने एंटर होना है। दूसरा यहां याद रखना है कि एक प्रोटीन होती है जो कि इसको ट्रांसपोर्ट करवाती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर होती है, इस प्रोटीन को हम कहते हैं पाइरुवेट ट्रांसलुकेस। ये वो प्रोटीन होती है जो कि उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाती है, और जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाते हैं तो वो उसकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में वो कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर और फिर आगे क्रैब साइकिल के अंदर जाते हैं। सो सिंपली यहां पर हम देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन पाइरुविक एसिड है इसको हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जब एंटर होते हैं तो पाइरुवेट्स ने कन्वर्ट होना है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और जब एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर ये कन्वर्ट होते हैं उस दौरान यहाँ जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुविक एसिड। तो जब पाइरुवेट की ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ 2 NAD जो है वो 2 NADH में कन्वर्ट हो गए, ये यहाँ पर फॉर्मेशन होगी एक तो, और साथ ही यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगी, ये डी कार्बोक्सीडेशन भी इसके अंदर होगी। इसी वजह से जो पाइरुवेट होते हैं उसके अंदर कार्बन 3 होते हैं, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है उसमें कार्बन 2 रह जाते हैं हर मॉलिक्यूल के अंदर, और साथ यहाँ कोएंजाइम ए जो होता है वो भी ऐड होता है। तो ये फिनोमिना जो है इसके रिजल्ट में, यानी कि जो फिनोमिना आपको मिलता है पाइरुवेट से कन्वर्जन इन टू द एसिटाइल कोएंजाइम ए, सो दिस इज द लिंक रिएक्शन, और ये लिंक रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे कि एक ही स्टेप हुआ है और वो ये जो पाइरुवेट था वो कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब यहाँ जो चीज याद रखनी है वो याद रखनी है कि डायरेक्ट 2 NADH यहाँ पर बने हैं, इसको हमने आगे जाके कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, अगला जो प्रोसेस है वो क्रेब साइकिल है। मैंने आपको बताया था कि क्रेब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और इसको TCA साइकिल भी कहते हैं, ये डिफरेंट नेम्स है इसके अंदर, TCA मीन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये फिनोमिना इसमें होता है। अब इसमें डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उसको हम वन बाय वन करके जो है वो डिस्कस करते हैं। देखें इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, हम यहाँ जस्ट ड्रॉ कर लेते हैं इसको, वो ऐसे होता है कि ऑक्सैलो एसिटेट जो है जिसमें 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 4 कार्बन होते हैं, ये कन्वर्ट होता है, रिएक्ट करता है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, और हम जानते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन होते हैं, तो इनका आपस में रिएक्शन होता है और रिएक्शन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनती है दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड सिट्रेट, इसको हम सिट्रेट कहते हैं। अब इस फिनोमिना को जो पहला स्टेप है इसको हम कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस
यानी जिसके रिजल्ट में हमारे पास अब जैलो एसिटेट सिट्रेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो, ये पहला स्टेप आ गया। अब सिट्रेट जो होता है फर्दर आगे प्रोसेस होगा और सिट्रेट ने कन्वर्ट होना है सिस अकोनिटेट, ये कंपाउंड एक बनेगा। और यहां फिनोमिना क्या होना है, यहां जो प्रोसेस है उसमें डिहाइड्रेशन होना, वाटर को रिमूव होना है यहां, और वाटर की रिमूवल को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो सिस अकोनिटेट जो है वो बन गया यहां पर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर फर्दर जो प्रोसेस होगा तो सिस अकोनिटेट जो है दैट विल कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रेट, इसको हम आइसोसिट्रेट कहते हैं। यहां वाटर की एडिशन, क्योंकि यहां वाटर ऐड हो रहा है, सो द थर्ड स्टेप इज द हाइड्रेशन, इसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। उसके बाद फोर्थ जो स्टेप होना है उसमें आइसोसिट्रेट जो है दैट विल कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट होता है। अब यहां दो फेनोमेना होंगे, एक तो यहां ऑक्सीडेशन होगी, अब ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में जो एन डी है उसमें कन्वर्ट होना है एन ए डी एच में, और साथ यहां कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल भी होंगे। तो इसका मतलब है यहां जो स्टेप है अगर उसका नाम लिखें तो उसका नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हुई है और साथ ऑक्सीडेशन भी हुई है। तो आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर। अब अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है फर्दर ये आगे प्रोसेस्ड होगा, और अगेन जो प्रोसेस होना है यहां पर वो प्रोसेस यही होना है जो इससे हमने पहले डिस्कस किया है, यानी यहां भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होनी है फिफ्थ स्टेप के अंदर, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी एनएडी जो है वो कन्वर्ट होगा एनएडीएच में और साथ यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। अब अगर हम कार्बन की बात करें तो चार कार्बन यहां थे, दो कार्बन यहां आपस में रिएक्ट करें, कार्बन यहां छह हो गए सिट्रेट के अंदर, आइसोसिट्रेट में भी कार्बन छह है, अकोनिटेट में भी कार्बन छह, लेकिन अल्फा कीटो ग्लूटरेट में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई जिस वजह से यहां कार्बन पांच हो जाएंगे। अब यहां से आगे फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हुई है, तो इसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बना है वो बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यहां पर कोएंजाइम ए भी ऐड होना है जिसकी वजह से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो डिवेलप हो गया। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से आगे जो प्रोसेस होना है तो उसके रिजल्ट में यहां जीडीपी कन्वर्ट होगी जीटीपी, अब जीटीपी फिर से जीडीपी में कन्वर्ट होगी, फ्री एनर्जी रिलीज होगी और इसके रिजल्ट में एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ एटीपी फॉर्मेशन होती है और इसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनना है दैट कंपाउंड इज कॉल्ड सक्सिनेट। अब इनके अंदर जो कार्बन है, यहाँ पांच कार्बन थे, एक कार्बन डाइऑक्साइड और रिमूव हुई है, तो इसके अंदर कार्बन चार है और इसके अंदर भी कार्बन चार है। सक्सिनेट ने आगे फर्दर कन्वर्ट होना है फ्यूमरेट के अंदर, अब कार्बन में कोई चेंज नहीं है, यहां सिंपली ऑक्सीडेशन होगी, अब ऑक्सीडेशन करनी एफडी ने, जब एफडी ऑक्सीडेशन करेगा तो एफडी जो है वो एफडीएच में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां सिर्फ ऑक्सीडेशन होगी, यहां डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी। अब फ्यूमरेट जो है इससे आगे मैलेट बनेगा, मैलेट में जब मैलेट बनेगा तो यहां पर हाइड्रेशन होगी, वाटर ऐड होगा, यहां वाटर ऐड होगा उसको हम हाइड्रेशन कह रहे हैं। अब मैलेट ने फिर से ऑक्सैलो एसिटेट में कन्वर्ट होना, अब यहां फिर से ऑक्सीडेशन होनी और ऑक्सीडेशन में वही एनडी जो है वो एंजाइम यूज होगा और वो एनडीएच टू में कन्वर्ट हो जाएगा, एनडीएच में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां फिर से ऑक्सीडेशन होगा। तो ये हमारे पास जो फिनोमिना है जो कि क्रेब्स साइकिल का फिनोमिना है, और ये फिनोमिना होता कहाँ है, दैट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, और इससे ऊपर जो हमने पढ़ा है पाइरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन, ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। अब ये इनकी लोकेशन जो है वो आपने याद रखनी, दो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो गए, इससे पहले हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, ये पहले मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ कि ये साइटोसोल में होना है या हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में होगा,
ये पूछा जा सके। तो पहला साइटोप्लाज्म में, दूसरा जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तीसरा भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। अब यहां पर जो एटीपी बने हैं ये वाले, ये एटीपी की फॉर्मेशन हुई, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये एटीपी का बन। अब यहां पर आप देखें कि जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है वो कहां कहां पे हो रही है। अब यहां पर एक तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, दूसरा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से जो एटीपी बन रहे हैं वो बन रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस में। यहां पर जो एटीपी प्रोडक्शन हो रही है इसको भी हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये आपने याद रखना। और जो ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूविक एसिड है इसके अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं होती, फिर अगर आप ट्रैप साइकिल में आ जाए तो यहाँ भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती। अब यहां मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ जो कि आपने याद रखनी है और इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने इससे पहले भी ये किया था क्योंकि आगे जाके हमने उनको यूज करना है। यहाँ अगर आपसे पूछा जाए ये बताएं टोटल एटीपी कितने बने हैं ट्रैप साइकिल में, तो आपने बताना है दो एटीपी बने। अब यहाँ एक और दूसरा भी यही बनना है, क्यों कि पाइरूविक एसिड दो है, दो पाइरूवेट है, दो एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, ये ट्रैप साइकिल दो दफा चलेगा, तो जिस वजह से जितनी भी चीजें हमने इसको डबल करना है। यहाँ टोटल एनएडीएच जो है वो कितने बने हैं, यहाँ टोटल एनएडीएच छह बने, और यहाँ टोटल एफडीएच टू कहाँ बन कितने बने हैं, तो यहाँ टोटल एफडीएच टू दो बने, क्योंकि मैंने कहा था कि आपने इनको डबल कर लेना है। तो आप देखें एनएडीएच कितने बन रहे, एक ही एनएडीएच बना, एक ही एनएडीएच बना और एक ही एनएडीएच बना, तीन और दो कर ले दफा इसको देखेंगे तो छह बन जाएंगे। एफडीएच टू एक ही दफा बन रहे हैं लेकिन क्योंकि दो दफा साइकिल चल रहे हैं तो दो एफडीएच टू हो जाने। तो ये सारी चीजें जो कि आपने यहाँ याद रखनी है और आगे जाके हमने इनको देखना है कि इन्होंने प्रोसेस होना है। तो अभी तक हमारे पास कितने एनएडीएच बन चुके हैं, छह यहाँ पे बने क्रेब्स साइकिल में, दो यहां बने आठ हो गए, और दो ही एनएडीएच की प्रोडक्शन ग्लाइकोलाइसिस में हुई। तो इसका मतलब है कि टोटल जो एनएडीएच बन चुके हैं वो दस बन चुके हैं एनएडीएच, और एफएडीएच दो बन चुके हैं, और इन्हीं से हमने आगे चल के कैलकुलेशन करनी है एटीपी प्रोडक्शन की। अभी तक एटीपी कितने बन चुके हैं, दो एटीपी यहां बने क्रेब्स साइकिल में और दो ही ग्लाइकोलाइसिस में बने हैं नेट, बाकी जो चीजें सारी की सारी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपने जो क्रेब्स साइकिल है इसको भी याद करना है और इन तमाम चीजों को, और यहाँ मेनली ये है कि स्टेप देखने कि कहाँ पे क्या स्टेप हो रहा है। मिसाल के तौर पर पूछा जाएगा कि बताएं जब आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लुटरेट बनता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, तो आपने बताना है कि ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। यहाँ भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई, यहाँ पर भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बो, सिर्फ ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ हो रही है, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडेशन और यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडेशन, और उस दौरान कौन से स्टेप हो रहा है ऑक्सीडेशन, एनएडीएच कौन कौन सा कर रहा है, एफएडीएच कौन से ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो इस तरह के सवाल पेपर में आ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम चौथा जो प्रोसेस है इसी रिएक्शन का वो है रेस्पिरेटरी चेन या रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी। अब ये होती कहां पर है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट अकर्स इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है वहां पर ये प्रोसेस होता है, और वो इनर मेम्ब्रेन जो कि इनफोल्डिंग की फॉर्म में होती है इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो क्रिस्टी के अंदर होनी है, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जितने भी एनएडीएच और एफडीएच बन चुके हैं, एनएडीएच और एफडीएच टू, अब इनके अंदर जो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप जानते हैं इनमें एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब कितने एनएडीएच, 10 एनएडीएच अभी तक बन चुके हैं, कितने एफडीएच टू बने अभी तक, दो एफडीएच टू बने। अब इन्होंने जो अपने एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको प्रोवाइड करना है, या ये इलेक्ट्रॉन जो कि एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन है दे एंटर इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होंगे, और फिर वहां जब ये एंटर होंगे तो उसके रिजल्ट में बहुत सारे एटीपीज प्रोड्यूस होंगे। अब ये फिनोमेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब हम देखेंगे कि कितने एनएडीएच कितने एटीपी जो है वो बना रहे हैं, तो इसको हम अभी डिटेल के अंदर जो है वो बात करेंगे ये प्रोसेस किस तरह से होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो प्रोसेस है वो हो कहाँ पे रहा है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बनाता हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये उसकी इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स आपको नजर आ रही, लाइक मैं कह रहा हूँ कि ये जो है वो क्रिस्टी। अब देखें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस जगह पर हो रही, ये
अब एक तरफ यहां क्या है, यहां पर है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और ये जो आपको जगह मिल रही है दिस इज कॉल्ड द इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अब ये दोनों की इंपॉर्टेंस है, ये दोनों के दोनों बड़े अहम, क्योंकि हमने इस पार्ट को बड़ा करके देखना है कि ये प्रोसेस किस तरह से यहां पर हो रहा है, और हम इसको बड़ा करके जो है वो देखते हैं इस जगह। देखिए अब इस चीज, अगर हम इस मेम्ब्रेन को देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन की तरह की, और आप जानते हैं सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में उसी तरह से लिपिड बायलेयर, ये लिपिड बायलेयर आपको मिल रही है, और इसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एम्बेडेड फॉर्म में, मिसाल के तौर पर एक ये मॉलिक्यूल इसमें एम्बेडेड फॉर्म में, फिर इस तरह से हमारे पास ये मेम्ब्रेन चल रही है, इसमें फिर एक मॉलिक्यूल आ जाएगा जो कि एम्बेडेड फॉर्म में आपको मिल रहा है, फिर से ये मेम्ब्रेन चल रही है, ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल जो हैं वो एम्बेडेड फॉर्म में, यहाँ प्रोटीन्स की फॉर्म में जो है वो मिल रहे हैं लाइक दिस। अब इसके अलावा यहाँ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसकी हम बात करेंगे, पहले भी बात की थी, ये यहाँ पर प्रेजेंट है लाइक दिस। ये अब ये प्रोसेस हमने यहाँ पर देखा। अब देखें यहाँ जो हमने कट किया है, इसके एक तरफ आपको मिल रहा है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, लाइक यहाँ मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है और एक तरफ इसमें है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये अब यहां जो चेन है उस चेन के अंदर डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर जो हमें मिल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो कौन कौन से हैं, कुछ तो फुली इम्बेडेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि पार्शली इम्बेडेड है। अब अगर हम इसको देखें तो हम ये देखते हैं कि यहां पर एक तो आपको ये मिल रहा है लाइक को एंजाइम क्यू, और उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोक्रोम मिल रहे हैं, साइटोक्रोम के डिफरेंट टाइप हैं, साइटोक्रोम लाइक साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम बी है, ए है, साइटोक्रोम A3 है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोक्रोम जो हैं जिनमें से ये गुजर के जाएगा, पहले सबसे को एंजाइम क्यू है, उसके बाद भी को एंजाइम क्यू से वो साइटोक्रोम शुरू हो जाएंगे, तो साइटोक्रोम्स में से सी बी ए और A3, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोक्रोम जो हैं जो हमें यहाँ पर मिलेंगे। अब देखें इसमें अदर एंजाइम्स जो के नजर आ रहे हैं हमें यहाँ पर, जैसे ये एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड द एटीपी सिंथेस, जिसने एटीपी की प्रोडक्शन करनी, तो यहाँ पर हम इसको भी देखेंगे कि एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से हो रही है। अब जो एनएडीएच है, सबसे पहले एक जो एनएडीएच है, एनएडीएच अपने इलेक्ट्रॉन देगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा एनएडी में, और उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको मिलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन आगे से आगे पास करता जाएगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन को आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आगे से आगे पास करते जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन पास करते जाएंगे तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन ये पहुंचने हैं, ये फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचने हैं, ये पहुंचने हैं ऑक्सीजन के पास। सो दिस ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगी साथ, टू हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेंगे और यहाँ जो है वो फाइनली वाटर बन जाना है, तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें से मूव करते हुए जाएंगे, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हुए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के रिजल्ट में यहां से जो प्रोटॉन आइंस होते हैं, प्रोटॉन वो यहां से पंप होंगे ऊपर को, यहां से साइटोक्रोम्स में से यहां से पंप होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ये प्रोटॉन यहां से ऊपर को पंप होंगे, और ये पंपिंग कैसे होगी, हमने पहले भी केमिओस्मोसिस पढ़ा था, अभी भी हम यहां पर केमिओस्मोसिस है वो पढ़ रहे हैं, ये पंपिंग जो होनी है, ये पंपिंग पहली पंपिंग कहां से होनी है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर होनी, और ये पंपिंग होनी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। अब जब पंपिंग होगी तो वो एनर्जी इन प्रोटॉन के अंदर स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये प्रोटॉन यहां से वापस आएंगे एटीपी सिंथेस से पास होके बैक इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और जब वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वापस आएंगे तो उसके रिजल्ट में एडीपी और पीआई के दरमियान एनर्जी को स्टोर किया जाएगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज करनी है, और जैसे ही एडीपी और पीआई
यहां पर एनर्जी को रिलीज करेंगे तो उसके रिजल्ट में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एटीपी बन जाए। अब ये जो मूवमेंट हो रही है, दिस मूवमेंट इज बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये मूवमेंट कहां से कहां हो रही है? ये मूवमेंट हो रही है फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और इसके रिजल्ट में एटीपी बनेंगे। अब जब एक एनएडीएच जो है अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देता है, तो याद रखना है कि उसके रिजल्ट में 3 एटीपी बनते हैं। अब ये तो जो एनएडीएच के पास इलेक्ट्रॉन थे वहां पर दे दी, और अब जानते हैं कितने एनएडीएच अभी तक हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं 10 एनएडीएच। तो इसका मतलब है कि जो 10 एनएडीएच है वो 30 एटीपी बनाएगा यहाँ, क्योंकि एनएडीएच 10 है हमारे पास। अब आगे रह गए एफएडीएच 2। अब एफएडीएच 2 ने भी अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी चेन के अंदर दे देने, और जब वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एफएडी के, यानी उसने भी अपने इलेक्ट्रॉन इसी चेन के अंदर देने हैं, और उसके रिजल्ट में भी केमिओस्मोसिस होगी। लेकिन याद रखना है कि जब एक एफएडीएच 2 अपने इलेक्ट्रॉन देता है इस चेन के अंदर, तो 2 एटीपी बनते हैं, 3 नहीं बनते। और एफएडीएच 2 है कितने हमारे पास टोटल? 2 एफएडीएच 2 हम ऊपर पढ़ के आए, तो इसका मतलब है कि कितने एटीपी बने हैं? वो एटीपी बने हैं 4। अब यहां पर जो टोटल 34 एटीपी बने हैं, ये एटीपी बने हैं किस प्रोसेस से? दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय केमियोस्मोसिस। अब एटीपी बनने के 2 प्रोसेस हैं। एक तो हमने ऊपर पढ़ा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी सिंपली वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बन जाएंगे। दूसरा जो एटीपी बनने का प्रोसेस है वो केमियोस्मोसिस, और इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और यहाँ मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन की वजह से ये एटीपी बनते हैं। तो ये बात याद रखनी है। तो यहां पर आपके पास 34 एटीपी यहां बन गए, और वहां कितने एटीपी बने थे? वहां हमने पढ़ा था 4 एटीपीज, 2 ग्लाइकोलाइसिस में और 2 क्रेब्स साइकिल के अंदर। लेकिन हमने इसकी ओवरऑल समरी अभी देखनी है कि ये एटीपीज जो है वो कितने कहां पर और किस तरह से बनते हैं। मैं यहाँ पे कुछ सवाल लिख रहा हूं, उसको लेके हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। नेट एटीपी प्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स इन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कंप्लीट ब्रेकडाउन के बाद प्रोकैरियोट्स के अंदर एटीपी जो बनते हैं नेट, वो 38। अब अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए, लेकिन पूछा जाए यूकैरियोट्स के अंदर, तो आपका जो आंसर होगा वो है 36 एटीपी। तो इसका मतलब है प्रोकैरियोट्स में 2 एटीपी ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू द यूकैरियोट्स। अब इसकी क्या वजह है उस पर भी हमने यहाँ पे बात कर लेनी। अब देखिए, मैं पूरा फिनोमिना जो हमने पढ़ा है उसको मैं समराइज करता हूँ ताकि आपको सारे स्टेप्स का पता चल जाए, और साथ एटीपी प्रोडक्शन जो है या उसकी कैलकुलेशन है वो भी आपके सामने आ जाए। देखें, हम एक सेल जो है यहाँ पर बना लेते हैं और उसको लेके हम डिस्कस करते हैं इस पूरे फिनोमिना को। अच्छा, ये मैं एक सेल को ले रहा हूं और इस सेल के अंदर हम बना लेते हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया। लाइक सेल में ये हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है जी। अब माइटोकॉन्ड्रिया में आप जानते हैं 2 मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक तो आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो आपको इनर मेम्ब्रेन मिलती है जो कि इनफोल्डिंग की फॉर्म में। अब देखें, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहां पर साइटोप्लाज्म है या साइटोसोल, ये अंदर जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये आपको इसके अंदर मिल रही है इसकी इनर मेम्ब्रेन, और ये इसके अंदर आ जाती है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ये वो चीजें जिसकी इंपॉर्टेंस है। अब सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो तो होता है साइटोसोल के अंदर, यानी हमने देखा कि जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ 2 पाइरुवेट्स के अंदर। ये प्रोसेस तो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर होना है। इसके रिजल्ट में 2 एनएडीएच बन चुके हैं और साथ यहां पर 2 एटीपी भी बने। ये पहला प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस।
अब उसके बाद जो पाइरूवेट है, पाइरूवेट विल एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसके अंदर एंटर होगा और ये आगे जाके बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये बना दे, ये हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट एसिड, और इसके रिजल्ट में दो NADH बने, लेकिन एज सच कोई भी माइटो इसके अंदर जो है वो ATP नहीं बना। अब उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो हम जानते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है क्रेब्स साइकिल, क्या क्रेब्स साइकिल होता है? अब क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट में डायरेक्ट दो ATP तो हमने कहा बन गए, जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनी है। इसके साथ इसमें से क्या क्या बना? इसमें से छह जो है वो NADH बने हैं और दो जो है वो FADH2 बने, ये क्रेब्स साइकिल से बने। अब ये हो गया तीसरा प्रोसेस। चौथा प्रोसेस आप जानते हैं वो कहाँ होगा? वो इंटर जो मेम जो इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वहां होगा, यहाँ पर, यानी कि ये प्रोसेस जो है वो यहाँ हो रहा है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ही होगा। अब यहाँ क्या होना है? अब यहाँ ये होना है कि जितने भी ATPs जो है, जो सॉरी NADH और FADH हैं, इन्होंने प्रोसेस्ड होना है। अब लाइक ये छह NADH जो क्रेब्स साइकिल में बने हैं, जब ये जाकर अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन रेसिपी चेन के अंदर, तो आप जानते हैं कि यहाँ प्रोटॉन की पंपिंग होनी है। पहली पंपिंग कैसे होनी है? पहले प्रोटॉन ने यहाँ से यहाँ जाना है और फिर प्रोटॉन ने वापस आना है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, और हम जानते हैं इसके रिजल्ट में ATP बनने। तो कितने ATP बनेंगे? क्योंकि छह NADH है और एक जो NADH होता है वो तीन ATP बनाता है, तो यहाँ इसके रिजल्ट में 18 ATP यहाँ बन जाएंगे, 6 के 18, क्योंकि एक ने तीन बनाने, तो 18 ATP यहाँ बन गए। और उसके बाद ये दो NADH यहाँ है, ये वाले जो दो NADH हैं ये भी जाएंगे इस चेन के अंदर। तो जब ये इस चेन के अंदर जाएंगे तो दो से कितने ATP बनेंगे? क्योंकि एक तीन बना रहा है तो दो जो होंगे वो छह बना देंगे, तो यहां भी 6 ATP बन जाए। अब आ जाती है बारी NAD, FADH2। FADH2 भी इस चेन के अंदर जाएंगे, प्रोटॉन की पंपिंग होगी। जब ये भी अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर देंगे, तो क्योंकि एक FADH2 दो ATP बनाता है, तो इसके रिजल्ट में यहां बन जाएंगे 4 ATP, 4 ATP। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास दो FNADH जो है वो यहां पड़े हुए, ये अब ये अगर ATP बनाना चाहते हैं तो इनको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ेगा, उस चेन के अंदर जाएंगे तो ATP बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब इनको मूव करके यहां से अंदर जाना है ATP बनाने के लिए, तो इसका मतलब है कि ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाएंगे, क्योंकि अंदर NADH ज्यादा है बाहर कम है, तो ये अंदर जो मूव करेंगे वो मूव करके जाएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, और जब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मूव करके जाएंगे तो साथ ही ये यहां से जाते हुए 2 ATP खर्च करेंगे, और जब 2 ATP खर्च करेंगे यहाँ इस चेन के अंदर जाएंगे, वहां जाकर ये अपने ATPs बनाएंगे, और कितने ATP बनाएंगे? ये जाकर बनाएंगे 6 ATP, लेकिन क्योंकि इन्होंने 2 ATP खर्च कर लिए हैं तो हम 2 ATP यहां से माइनस कर देंगे, और बाकी जो ATP यहां बचे वो बचे 4 ATP। तो इसका मतलब है कि ये वाले जो NADH है इनका केस थोड़ा डिफरेंट है। अब ये जितने भी ATP बने हैं, ये सारे ATP बने हैं केमिओस्मोसिस से। अब मैं इन पे निशान लगा लेता हूं, ये वाले ATP, ये वाले ATP, ये वाले ATP और ये वाले ATP, ये सारे ATP बने हैं केमिओस्मोसिस। अब कितने ATP केमिओस्मोसिस से बने? देखिए 18, ये 18 और 4 22, 22 और 6 28 और 4 32, तो केमिओस्मोसिस के रिजल्ट में जो ATP बने हैं वो बने हैं 32 ATP। अब बाकी जो 2 ATP बने हैं, बाकी जो ATP रह गए हैं वो कौन से हैं? वो ये वाले ATP जो ग्लाइकोलाइसिस में बने हैं, और ये वाले ATP, ये 2 और 2 4 ATP जो हैं ये बने हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। तो कितने बने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से? वो बने हमारे पास 4 ATP। अब टोटल ATP को अगर हम देखें 32 और 4, तो ये बन गए 36 ATP। तो इसका मतलब है कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर 36 ATP बनते हैं।
जिसमें से 32 कैमियोस्मोसिस है और 4 फॉस्फोराइलेशन से। अब यूकैरियोट्स में तो ये हो गया, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये यूकैरियोट्स के अंदर होगी। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर दो एटीपी ज्यादा कौन से होते हैं, वो होते हैं ये वाले, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो दो एनएडीएच हैं उनको अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाना पड़ेगा, वो तो प्रोसेस ही साइटोप्लाज्म में होना है सारा। तो ये जो दो एटीपी यहाँ खर्च हुए ये खर्च नहीं होंगे, जिसकी वजह से प्रोकैरियोट्स के अंदर जो एटीपी बने हैं वो 38 एटीपी बने। तो यहाँ दो फिगर्स मैंने आपको दी हैं, 38 और 36, यूकैरियोट में 36 और प्रोकैरियोट्स में 38। अच्छा जी, अब इसमें हम थोड़ी सी जो बात करेंगे वो इंजाइम्स की बात करेंगे, कुछ इंजाइम्स के बारे में सवाल आ जाता है। इंजाइम्स में मुख्तलिफ इंजाइम हमने पढ़े हैं और वो इंजाइम्स को इनहिबिट भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक फीडबैक फिनोमिना जो हो रहा होता है, अगर एटीपी ज्यादा हो जाए सिस्टम के अंदर, एटीपी ज्यादा होने से जो इंजाइम को इनहिबिट किया जाता है वो है फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज जो इंजाइम होता है, दैट इंजाइम इज इनहिबिटेड, जिससे प्रोसेस जो है वो स्लो होना शुरू हो अगर एटीपी जो है वो ज्यादा हो जाए। या इसके अलावा दूसरा केस जो है वो ये भी हो सकता है कि अगर सिट्रेट ज्यादा हो जाए तो भी यही फिनोमिना। तो दोनों केस के अंदर जो फिनोमिना है वो हमारे पास यही होगा। अब इसके अंदर अगर एटीपी कम हो जाएंगे या एएमपी ज्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब है फिर इसको स्टिमुलेट किया जाएगा। इफ एएमपी इंक्रीजेस तो फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम जो होता है दैट इज स्टिमुलेटेड। तो ये आपने एक तो इसमें बात याद रखनी। दूसरा यहां होता है कि अगर इफ एन ए डी एच एक्यूमुलेटेड, अगर एन ए डी एच जो है वो ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उस दौरान जो पाइरुवेट डी कार्बोक्सीलेज होता है दैट इज इनहिबिटेड, उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक स्पेसिफिकली फिनोमिना के रिजल्ट में इंजाइमेटिक एक्शन जो होता है उसको कंट्रोल किया जाता है और फिनोमिना जो है जिसको हम फीडबैक प्रोसेस कहते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये भी दो तीन चीज़ें जो है वो आपने इसके अंदर याद रखनी है कि कौन सा एंजाइम जो इनहिबिट होता है, कौन सा एंजाइम जो है उसको इनिशिएट किया जाता है। जी, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर है आपके माइंड में तो पूछ सकते हैं।